बर्फ की परत के नीचे दबे रहने और मौत से युद्ध करने के बाद सोमवार को लांस नायक हनुमन थप्पा कोप्पड़ जिंदा लौट आए हैं। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनके जिंदा मिलने की पुष्टि की है। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि हिमस्खलन में फंसकर पेट्रोलिंग कर रहे सभी 10 जवान शहीद हो गए हैं। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, सियाचिन में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में तलाश किए जा रहे हैं। 10 जवानों में से लांस नायक हनुमन थप्पा को बर्फ के नीचे जिंदा पाया गया। हनुमन थप्पा के अलावा बाकी सभी जवानों की मौत हो चुकी थी।